भारत नेपाल मैत्री समाज व वीर सेनानी कल्याण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में कूड़ाघाट स्थित अमर शहीद लेफ्टिनेंट गौतम गुरुंग की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर भारतीय सेना का पराक्रम विजय दिवस मनाया गया, जिसके संबंध में भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ते ने बताया कि आज ही के दिन सन 1971 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के दिशा निर्देशन पर भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी के साथ पाकिस्तानी सेना के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पित कराया था, जो विश्व में भारतीय सेना के पराक्रम का एक गौरवपूर्ण इतिहास बनकर रह गया। इसी युद्ध के बाद मानिक शाह जी को फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया और बांग्लादेश का उदय हुआ, जिसका नामकरण भी भारत सरकार द्वारा ही बांग्लादेशियों की सहमति से किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश के सीमा के सुरक्षा की बात आई तो हम फौजियों ने अपने जान की बाजी लगा दुश्मनों को खदेड़ा ही है। इस अवसर पर भारत नेपाल मैत्री समाज के कमल किशोर गुप्ते, वीर सेनानी कल्याण संस्थान के अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही, कैप्टन अबुल हसन अंसारी, सूबेदार मेजर बी एन पोद्दार, वारंट ऑफिसर डी के सिंह, हवलदार राम प्रसाद सिंह, कैप्टन के सिंह, सूबेदार मेजर आर एस यादव, MWOGP गुप्ता, हवलदार हरीश चंद्र सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत नेपाल मैत्री समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्त ने कहा, भारतीय सेना जिंदाबाद, वीर शहीद अमर रहे, अनिल कुमार गुप्त, अध्यक्ष भारत नेपाल मैत्री समाज। ये हम सेना के पराक्रम दिवस को आज मना रहे हैं। पराक्रम इस संदर्भ में कि दुनिया में पहली बार भारतीय सेना के समक्ष पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को जनरल नियाजी के साथ आत्मसमर्पण कराया और मेजर जनरल करियप्पा साहब के सामने ये हुआ। इसको हम अपने देश के सेना के पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं और मनाते चले आ रहे हैं। इसमें हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे वीर सेनानी कल्याण संस्थान के लोग हैं, उसके अध्यक्ष अनिरुद्ध शाही जी हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में तत्परता के साथ लगे रहते हैं, और पूर्व सैनिक जितने भी हैं हम उनके लिए जितना भी आदर भाव करते हैं, उनके लिए जितना भी सम्मान करें, वो मेरे लिए कम ही है। क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस लेकर के जी रहे हैं, अमन चैन के साथ, सुख के साथ रह रहे हैं। पराक्रम दिवस, और ये पराक्रम दिवस इसी संदर्भ में हम मनाए हैं कि इस पराक्रम दिवस में सेना के मान सम्मान को, उसके मनोबल को और ऊंचा करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, निरंतर इस काम को करते रहते हैं कि सेना का पराक्रम कहीं से भी नीचे न होने पावे, उसका आत्मबल बढ़ा रहे और वो दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारे।